हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं विजय जड़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेड ऑन लेवल। लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही वीकली चार्ट में इनसाइड बार कैंडल बनाई है और जो ब्रेकडाउन था वो एक फॉल्स ब्रेकडाउन है। और मैंने आपको वीडियो में ये भी बताया था कि किस तरह हम फॉल्स ब्रेकडाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको अवॉइड करके ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और अगर आप प्रीवियस वीक की कैंडल देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये एक हैमर टाइप की कैंडल है और ये एक रेड कैंडल है जिसके अंदर ओपन और हाई लगभग सेम है और नीचे आप देख सकते हैं नीचे एक वीक है। और अगर आप इस रेंज को देखेंगे तो आप देख सकते हैं पहले भी इसी रेंज के आसपास निफ्टी ने लगभग 8 वीक तक कंसोलिडेट किया था और अभी फिलहाल निफ्टी इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये बात क्लियर है कि इस लेवल के आसपास बायर्स भी एक्टिव हैं और सेलर्स भी एक्टिव हैं। और नीचे में मैंने आपको एक लेवल बताया था 15,530 का लेवल। इस लेवल के ऊपर जब तक निफ्टी सस्टेन करता है तब तक निफ्टी के अंदर बाय ऑन डिप्स आती रहेगी। और आप देख सकते हैं जो प्रीवियस वीक का लो है वो भी लगभग 15,511 का है, तो इसी लेवल के आसपास निफ्टी में बाइंग आई थी। और जब तक ये लेवल सस्टेन करता है नीचे के लेवल पर बाइंग आती रहेगी। लेकिन अगर आप अपसाइड देखेंगे तो ऊपर में इस रेंज का हाई जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद हम नहीं कर सकते। तो हो सकता है आने वाले वीक भी निफ्टी इसी रेंज के बीच में कंसोलिडेट करे। अगर ऊपर की साइड में निफ्टी इस रेंज को ब्रेक करता है तो बहुत ही अच्छी रैली हमें देखने को मिल सकती है और निफ्टी फिर से 16,000, 16,300, 16,500 और इस अपर ट्रेंड लाइन को भी टच करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन उसके लिए इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट होना जरूरी है। और अगर निफ्टी ऊपर की जगह नीचे की साइड ब्रेकडाउन देता है और 15,530 के नीचे क्लोजिंग देता है तो नीचे में 14,700 के लेवल निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह का पैटर्न है मार्केट साइडवेज लग रहा है और जब तक किसी साइड का क्लियर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं आता तब तक निफ्टी साइडवेज रहने के चांसेस हैं। और अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं निफ्टी ने अपने लोअर लेवल से सपोर्ट लिया है और इस ट्रेंड लाइन पर निफ्टी बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती तब तक आप किसी भी तरह की शॉर्ट के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी ने लो बनाया था, उसके बाद हाई बनाया था, उसके बाद हायर लो बनाया है, हायर हाई बनाया है और उसके बाद फिर से हायर लो बनाया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी ने इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है तो यहाँ से निफ्टी फिर से हायर हाई बनाने की कोशिश कर सकता है। तो जब तक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करता है तब तक निफ्टी में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज की जा सकती है। निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में मैंने आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बताया था 32,700 और आप देख सकते हैं इसी लेवल के आसपास बैंक निफ्टी ने प्रीवियस डेज में सपोर्ट लिया और प्रीवियस वीक के अंदर भी बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। और जिस तरह की मैंने आपको प्रीवियस वीक में बताया था बैंक निफ्टी ने वीकली चार्ट में इनसाइड बार कैंडल बनाई है, ये एक बुलिश सिग्नल है। लेकिन इस तरह के इनसाइड बार के बाद में एक बुलिश कैंडल बननी चाहिए, उसकी जगह बैंक निफ्टी ने एक रेड कैंडल बनाई है जो एक अच्छा सिग्नल नहीं है। तो ये इस बात को सिग्नल करता है कि मार्केट में बुल्स की पकड़ अभी इतनी मजबूत नहीं है और सेलर्स अभी भी एक्टिव हैं। और अगर हम बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी हायर हाई हायर लो के पैटर्न बना रहा है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो जब तक बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता तब तक उसमें नीचे के लेवल से बैंक प्रेशर आता रहेगा। और बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने हायर लो और हायर हाई की पैटर्न बनाई है। तो बैंक निफ्टी का पैटर्न भी फिलहाल बुलिश है और आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी भी अपनी इस रेंज के हायर ट्रेंड लाइन को टच करने की कोशिश कर सकता है। तो अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का चार्ट देखेंगे तो दोनों में हम देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म के अंदर दोनों में अपसाइड मूवमेंट कंटिन्यू रह सकती है। और जब तक निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने मेन सपोर्ट को ब्रेक नहीं करते तो इन लेवल्स के आसपास से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में बाइंग प्रेशर आता रहेगा। तो ये जो सिंपल टेक्निकल एनालिसिस मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ, आशा करता हूँ इसकी मदद से आपकी नॉलेज भी इंक्रीज हो रही है और मार्केट के ट्रेंड को समझने में भी आपको आसानी हो रही है। तो ये तो हो गई शॉर्ट टर्म की बात। अब देख लेते हैं आने वाले वीक के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी के कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है और कौन से लेवल पे फोकस करना है। पहले निफ्टी देख लेते हैं। नेक्स्ट वीक में 15,600 से लेके 15,530 का जो रेंज है ये रेंज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर निफ्टी इस लेवल पर सपोर्ट लेता है और यहाँ से रिवर्स करता है तो बहुत ही अच्छी शॉर्ट कवरिंग निफ्टी में एक्टिव हो सकती है और ऊपर में निफ्टी 15,900
के लेवल को टच करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर निफ्टी 15,530 के नीचे ब्रेकडाउन करता है और 50 में क्लोजिंग देता है इसके नीचे, तो नीचे में सेलिंग प्रेशर फिर से एक्टिव हो जाएगा और निफ्टी नीचे में 15,350 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। 15,900 का लेवल, ये लेवल नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर निफ्टी को इस टेबल के आसपास रेजिस्टेंस मिलता है और निफ्टी यहाँ से रिवर्स करता है तो निफ्टी में फिर से सेलिंग प्रेशर एक्टिव होगा और निफ्टी फिर से नीचे में 15,600 से लेके 15,530 के सपोर्ट जोन को टच करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर निफ्टी 15,900 के ऊपर सस्टेन करता है और 50 में क्लोजिंग देता है तो ऊपर में निफ्टी 16,150 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। तो नेक्स्ट वीक के लिए आप इन दो लेवल पर खास वॉच रखिए, 16,900 का रेजिस्टेंस और 15,530 से लेके 15,600 का सपोर्ट। निफ्टी के बाद आप बैंक निफ्टी देख लेते हैं। नेक्स्ट वीक में बैंक निफ्टी के लिए 33,920 का लेवल, ये लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन करता है और 50 में क्लोजिंग देता है तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग एक्टिव हो जाएगी और ऊपर में बैंक निफ्टी 34,500 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी को 33,920 के आसपास रेजिस्टेंस मिलता है और बैंक निफ्टी यहाँ से रिवर्स करता है तो बैंक निफ्टी में फिर से सेलिंग प्रेशर एक्टिव हो जाएगा और नीचे में बैंक निफ्टी 33,150 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। 33,150 ये लेवल नेक्स्ट वीक के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल पे सपोर्ट लेता है और यहाँ से रिवर्स करता है तो फिर से बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग एक्टिव हो जाएगी और बैंक निफ्टी ऊपर में 33,910 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 33,150 के नीचे ब्रेकडाउन देता है और 50 में क्लोजिंग देता है इसके नीचे, तो नीचे में सेलिंग प्रेशर एक्टिव हो जाएगा और बैंक निफ्टी नीचे में 32,550 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। तो नेक्स्ट वीक के लिए आप इन दो लेवल पर खास वॉच रखिए, 33,910 का रेजिस्टेंस और 33,150 का सपोर्ट। 15 मिनट के चार्ट में आप इन लेवल को ट्रैक कीजिए, कंफर्मेशन के लिए क्लोजिंग का वेट करिए और जिस साइड ब्रेकआउट आता है या फिर ब्रेकडाउन आता है उसी साइड उसमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देखिए। तो आशा करता हूँ जो टेक्निकल एनालिसिस और जो निफ्टी बैंक निफ्टी के वीकली लेवल्स मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ उसकी मदद से मार्केट को समझने में, एनालिसिस करने में, चार्ट को रीडिंग करने में और ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देखने में आपको आसानी हो रही है। और अगर आपको मेरे एनालिसिस और मेरे लेवल्स पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे ट्रेडर के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।